नवगछिया, सरकार के आदेश के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे ट्रक एसोसिएशन। बिहार सरकार द्वारा 10 चक्का से ऊपर के ट्रकों में बालू गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगाने का भागलपुर जिला ट्रक एसोसिएशन ने जोरदार विरोध किया है। एसोसिएशन के सदस्यों ने ट्रक मालिकों का व्यवसाय बंद करने की साजिश बताया है। जिला एसोसिएशन अध्यक्ष दीप नारायण सिंह, प्रवक्ता बबलू मंडल, संरक्षक राजेश झा ने प्रेस वार्ता में कहा कि नोटबंदी की तरह सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगाकर अपनी हट धार्मिकता दिखाई है। इसको लेकर जिला की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार की इस दमनकारी नीति, काला कानून, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 18 दिसंबर भागलपुर 0 माइल नॉर्थ बिहार के सभी ट्रक मालिकों के साथ महासभा होगी, जिसमें बिहार ट्रक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर सिंह के नेतृत्व में हजारों ट्रक मालिक द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम लोग का मुख्यमंत्री जो बिहार सरकार के हैं, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो आदेश पारित किया गया है, उसके खिलाफ बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के नेतृत्व में तत्वाधान में हम लोग भागलपुर जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोग का एक महत्वपूर्ण आपात बैठक आयोजित की गई नवगछिया कार्यालय में। और इसमें आज यह निर्णय लिया गया है कि सरकार जो यह आदेश पारित किया है, इस आदेश के खिलाफ हम लोग एक आपातकालीन बैठक नॉर्थ बिहार के ट्रक मालिकों के साथ भागलपुर में 0 माइल में करने का निर्णय लिए हैं। और वह एक आम सभा होगी और उस आम सभा का नेतृत्व हमारे बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं भानु शेखर सिंह के नेतृत्व में वह कार्यक्रम आयोजित की गई है। और उस बैठक में हम लोग का यह निर्णय होगा कि सरकार जो यह दमनकारी नीति अपनाई है 14 चक्का, मतलब कि 14 चक्का से ऊपर, 14 चक्का से लेकर 22 चक्का तक कोई भी गाड़ी पर गिट्टी और बालू लोड नहीं होगी। तो अब 14 चक्का से 22 चक्का सभी बंद हो गए तो अब लोग कहाँ जाएंगे? इससे पूरे बिहार की आबादी, हमारे मेजर साहब बता रहे 4 करोड़ लोग पर इससे प्रभावित होने जा रहा है। अगर 14 चक्का गाड़ी रुक गई बालू और गिट्टी में तो 4 करोड़ लोग इससे प्रभावित बिहार के होंगे। साथ साथ ड्राइवर, खलासी सब भुखमरी के कगार पर आएंगे। कितने ड्राइवर बैठ जाएंगे, कितने खलासी बैठ जाएंगे, इसका खिलाफ हम लोग को वो करना है। जब हम लोग को टैक्स देना है, टैक्स लेते हैं, नेशनल परमिट का पैसा कटा है, फाइनेंसर तंग कर रहा है, लगातार परेशान हो रहे हैं। कोरोना का मार अभी बाहर हुए भी नहीं थे तो दूसरा मार यह दे दिए। यह ट्रक मालिक के विरोधी का सरकार है और साथ साथ गरीबों को, यह मतलब जो हम लोग से जी रहे थे उसका भी पेट पर यह लात मारे हैं। इसके खिलाफ में हम लोग 18 तारीख को जो महा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं भागलपुर में, उसमें निर्णय लेकर पूरे भागलपुर को बंद करने का निर्णय लेंगे। साथ साथ पटना का भी घेराव करेंगे, हाई कोर्ट में मुकदमा करेंगे, पर हम लोग इसके खिलाफ जाएंगे कोर्ट। क्या आंदोलन से बात नहीं मानी तो क्या आगे क्या करेंगे? आंदोलन हम लोग ज्यादा दिन का इसमें नहीं है, इसमें 2 दिन का आंदोलन है कि आप मानिएगा कि नहीं मानिएगा। ये जो नीति अपनाया आपने इन नोटबंदी के हिसाब की, रात को घोड़े उठे तो घोड़े की बंद हो गया 2000। यही स्थिति है कि कल आपने फैसला लिया, अब तक कई कैबिनेट का फैसला रखा हुआ होगा मुख्यमंत्री के पास, पर इन्होंने एक फैसला को तुरंत लागू कर दिया, आज के आज लागू हो गया। कहते हैं ओवरलोड वाहन चलने से पुल पुलिया टूट रहा है। तो हम मीडिया बंधुओं से माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ओवरलोड आपको रोकने का पावर नहीं है? आपके पास प्रशासन है, आपके पास परिवहन विभाग का बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, तो आप क्यों नहीं ओवरलोड पर लगाम लगाते हैं? आप ओवरलोड के नाम पर आपने इस धारा का लागू कर दिया है जो कि एकदम गरीबों का, ट्रक मालिकों का विरोधी कानून है। इसका हम लोग खिलाफ करेंगे, हर हाल में गाड़ी चलेगी। और हम लोग सरकार से मांग भी करते हैं कि आप ओवरलोड वाहन का परिचालन कराएं, आपके पास तंत्र है, अगर आपके पास नहीं व्यवस्था है तो हम लोग करा देते हैं अंडरलोड, आप बोलिए। पर इनके पास सब तंत्र रहते हुए भी ये अंडरलोड कराना नहीं चाहते हैं। कहते हैं बॉडी काट के चलो, फिर उसमें ओवरलोड चलेगा। पैसा किसी तरह से सरकार को आना चाहिए, इसका यह व्यवस्था बनाया है और कोई बात नहीं है। यह कोई नहीं है केवल ट्रक मालिकों को परेशान करने के लिए, गरीबों को परेशान करने के लिए, पूरे बिहार के 4 करोड़ लोगों को इन्होंने पेट का रोजी का सवाल बना दिए। कहाँ जाएंगे मालिक, कहाँ गाड़ी खड़ा होगी?
जिले बहुत बड़ा आंदोलन भागलपुर से शुरू होगा। कब? 18 तारीख का हमारा बैठक है और पूरे नॉर्थ बिहार के ट्रक मालिकों के साथ बैठक है, जिसमें कि लगभग 500 ट्रक मालिक से ऊपर आ रहे हैं। उसी दिन निर्णय होगा कि हम लोग को क्या करना है। ऐसे एक निर्णय है कि पटना में घेराव 21 तारीख को होगा, उसके पहले हम लोग भागलपुर में करेंगे। जैसा कि बिहार सरकार हम लोग का व्यवसाय बंद करने का साजिश कर रहा है, इस साजिश के तहत कल रात को एक निर्णय लिया गया। अभी के डेट में पता चल रहा है कि हर एक जिला में इस चीज को लागू भी कर दिया है। इसके विरोध में हम लोग एक आम बैठक रखे हैं, उसको वापस लेना होगा। और इस बैठक के माध्यम से हम लोग 18 को हर एक जिला में, बिहार के लगभग हर एक जिला में ये बैठक भी हो रही है, बिहार ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले 21 को पटना का घेराव होगा और वहां से हम लोग इतना उग्र प्रदर्शन करेंगे कि उनको पता चलेगा ट्रक मालिकों की क्या जरूरत है सरकार को। और जैसे ये निर्णय हम लोग पे थोपा है, वैसे उसको तुरंत अति शीघ्र वापस लेना होगा, मजबूर कर देंगे कि उसको वापस इस आदेश को लेना पड़ेगा। भागलपुर में क्या भागलपुर में इस आज जो अभी बैठक किए हैं आपातकालीन बैठक, 18 को हमने भागलपुर जिला में 0 माइल में एक बैठक रखा है, उसी बैठक में हम लोग तैयारी करेंगे कि हम लोग को आगे का रणनीति क्या होगा इस आदेश के आलोक में, फाइनेंसर के आलोक में, नो एंट्री का आलोक और भी मुद्दा है, लेकिन अभी प्रायोरिटी मुद्दा यही बन गया है। वहां से हम लोग डिसीजन करके, या तो अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो सारा गाड़ी ट्रक मालिक अपना गाड़ी का चाबी कलेक्ट्रेट में जमा कर देंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आपने गाड़ी को रजिस्ट्रेशन किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया तब तो हमने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी आप बंद कर रहे हैं, बंद करने की साजिश कर रहे हैं, तो आप चाबी लीजिए, पेपर का खर्च, परमिट का खर्च, इंश्योरेंस का खर्च, प्लस ईएमआई जो हम लोग के माथे पे फाइनेंसर ने बांधा है, सारा आप ही पे कीजिए, क्योंकि आपके आदेश के अंतर्गत हमारा व्यवसाय बंद हो गया, तो आखिर ट्रक लेके हम लोग क्या करेंगे, इसलिए आप भी रखिए और आप भी किस्त को भी दीजिए। बहुत जल्द भागलपुर में हम लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस में सारा ट्रक को जमा करने की तैयारी कर रहे हैं।